नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और आज हम जो कंपनी लेके आए हैं, जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे, स्टॉक के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। एक छोटी प्राइस का स्टॉक है और अभी इसमें भी काफ़ी गिरावट है, और इनके रिजल्ट्स पे हम देखेंगे किस प्रकार के रहे, और इस पर कुछ बातचीत करेंगे। क्या हमें इसमें लेना चाहिए या अभी इससे दूर रहना चाहिए, या जो लोग निवेशित हैं तो उनको क्या करना चाहिए। बेसिक चीज़ें कुछ मैं बता दूं, जैसे कंपनी प्रोफाइल हम देख रहे हैं उनकी वेबसाइट पे, इनकॉर्पोरेटेड इन 1939 मानी 1939 में इस्टेब्लिश हुई थी विद अ सिंगल पेपर मशीन, एक छोटी मशीन के साथ। नाउ अ मल्टी प्रोडक्ट मल्टी लोकेशन कंपनी दैट्स मच मोर देन पेपर, दैट्स ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बेसिकली सी के बिरला ग्रुप की कंपनी है, उनके द्वारा अधिग्रहण की हुई, और ओरिएंट इलेक्ट्रिक एक और कंपनी है जो उसी के ग्रुप की है। तो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ा ग्रुप है, सी के बिरला तो बहुत बड़ा नाम है, और आज़ादी से पहले की, जैसे कि आप देख सकते हैं, पेपर ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज सीन एज ए कंपनी विद अ कटिंग एज, अ हाई टेक, कस्टमर फ्रेंडली, को इको रिस्पॉन्सिव कॉर्पोरेट सिटीजन दैट इज शेपिंग ए बेटर टुमारो। तो खैर, उन्होंने अपनी तारीफें की हुई हैं और अच्छी चीज़ है। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट के हम कुछ चित्र देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप देखते हैं पेपर से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज़, और ये पेपर्स में हैं, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि लिखने वाले जो पेपर होते हैं, या फिर प्रिंटिंग वाले पेपर्स होते हैं, या फिर टिश्यूज़ होते हैं, इस तरीके के पेपर्स ये प्रोड्यूस करती है। और पेपर का चलन बढ़ने वाला है, क्योंकि प्लास्टिक पर जिस प्रकार से बैन लग रहा है, तो पेपर की थोड़ी मांग ज़रूर बढ़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये सारे पेपर्स, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, चाहे अखबार के हों, चाहे, और पेपर की हर जगह ज़रूरत होती है। एनीवेज़, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है लॉन्ग टर्म शेयर्स, तो ज़रूर कर लें। यहाँ पे देखिए लाल बटन है, और जिन्होंने जिनका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है और शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से zerodha.com पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज खुल जाएगा और ऑनलाइन आपका अकाउंट खुल जाएगा एक छोटी अमाउंट में। और यहाँ पे जो है काफ़ी, जैसे कि जिनको डिलीवरी लेनी है उनको तो ब्रोकरेज फ्री है, और जो इंट्राडे करना चाहते हैं उनके लिए भी एक छोटी फिक्स अमाउंट है जो देनी पड़ती है। तो अब इसके हम फंडामेंटल कैसे हैं देख लेते हैं। ओरिएंट पेपर के आज का प्राइस क्या है, आज तो मार्केट बंद है, आज रविवार है, संडे है, जो 30 अगस्त को जो स्थिति में ट्रेड हुआ, लास्ट क्लोजिंग प्राइस BSE पे 24.45 रुपये पे, यानी अपसाइड 15 पैसे की बढ़त के साथ। साल का जो लो बनाया था उसने 19 रुपये के आसपास, और हाई बनाया था 52 रुपये, तो हाई से काफ़ी बीच पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 50% तक हाई से अपने टूट चुका है, जिस प्रकार से हम चार्ट में भी देख सकते हैं, लगातार धीरे धीरे गिरावट है धीरे धीरे। और मार्केट कैप वगैरह भी हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मार्केट कैप है 517 करोड़ की है, एक माइक्रो कैप कंपनी है, और फेस वैल्यू एक की है, 1 रुपये की, और पी रेशियो जिस प्रकार से इनकी इनकम है, अर्निंग पर शेयर है, और जो प्राइस है स्टॉक का, जब रेशियो निकालते हैं तो 5.70 निकलता है, प्राइस टू बुक 0.48, डिलीवरी इसके 71% से एक शानदार डिलीवरी कही जा सकती है, और डिविडेंड पेइंग स्टॉक, और बढ़िया डिविडेंड पे करता है, वो भी दिखाएंगे। तो पी रेशियो के हिसाब से, बुक वैल्यू के हिसाब से प्राइस अभी काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे है, लेकिन हमें छोटी प्राइस का स्टॉक या छोटी कंपनी का स्टॉक, या देखने से पहले हमें क्या ये देखना ज़रूरी, कंपनी कमाती कितना है, पिछले साल कितना कमाई थी और इस साल कितना कमाई है, क्या इसका बिज़नेस आगे बढ़ता रहेगा, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम जब इसके बिज़नेस पे देखने से चलने से पहले हम कुछ रिटर्न देख लेते हैं। जैसे कि एक साल पहले जिन्होंने पैसे लगाए थे उनको 44% का लॉस है, और 6 मंथ पहले जिन्होंने पैसे लगाए उनको 25% का लॉस है। और रिटर्न अगर हम देखते हैं, एक साल का देख चुके हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 3 साल का रिटर्न कैलकुलेटर पे। अगर 3 साल पहले आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपका हो गया था 1,09,000 रुपये के आसपास, यानी कि FD से भी कम रिटर्न मिला है। और अगर आपने 5 साल पहले पैसे लगाए तो आपको मिल गया यहाँ पे 169% का रिटर्न, यानी आपके 1 लाख बन गए 2,69,613 रुपये। तो 5 सालों के 169% 170% मान के चलिए लमसम रिटर्न रहे, सॉरी।
और इनकी जो पीयर कंपनीज़ हैं जिनमें जेके पेपर है, इंटरनेट पेपर है, वेस्ट कॉस्ट पेपर है, ये देखिए। अब हम चलते हैं कुछ और वर्षों के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, जिनको जानना है तो 10.59% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 8% का, और सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है यहाँ पे। हाँ, अगर हम कुछ वर्षों के इतिहास इनका देखते हैं किस प्रकार का रहा है, नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट में दो चीज़ें हम देखेंगे। तो अगर हम मार्च 2018 का क्वार्टर जो देख रहे हैं यहाँ पे, साल दर साल अगर हम देखते हैं किस प्रकार की इनकी ग्रोथ रही है, तो यहाँ तक तो ठीक लग रहा है। 1293, 2008 में, 2009 में 1500 करोड़, 2010 में 1615 करोड़ नेट सेल्स कह रहे हैं, 2011 में 1980 करोड़, 2012 में 2490 करोड़, बहुत ही अच्छा है। 2013 में अगेन डाउन साइड है, 1268 करोड़, फिर 14 में 1575 करोड़, और 2015 में, सॉरी 2015 में 1667 करोड़, 2017 में अगेन यहाँ बढ़त के साथ 1819 करोड़, लेकिन दो मार्च 2017 में 511 करोड़, यानी कि बहुत कम इसकी बिक्री कम हो गई। और मार्च 18 में भी यहाँ 661 करोड़, और मार्च 19 में 710 करोड़, और ट्रेलिंग 12 मंथ में यहाँ पे 724 करोड़ के आसपास है। इसी प्रकार से नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखते हैं, तो पहले जो कंपनी है बेहतर प्रदर्शन कर रही थी मेरे विचार से, जिस प्रकार से हम इसके नेट प्रॉफिट भी देख रहे हैं यहाँ पे आके, मार्च 2013, 2014, 2015 के आसपास यहाँ पे इनको काफ़ी नेट प्रॉफिट में भी गिरावट है। तो मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों का जो हम ये इतिहास देख रहे हैं, तो उसमें शुरू के कालखंड में तो काफ़ी अच्छा था, बीच में इनको जो है काफ़ी डाउन साइड है, कंपनी ने उतनी बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया, परफॉर्मेंस नहीं दी। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से मार्च 19 में 102 करोड़ की, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ में 91 करोड़ की इनका नेट प्रॉफिट रहा, तो पहले ज़्यादा था। अगर हम 10 साल पहले जो इसकी कमाई होती थी वो बहुत शानदार था आज के मुकाबले, तो एक अच्छे नंबर नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। और अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख रहे हैं, तो 7% के नेगेटिव में 10 ईयर्स में, 5 वर्ष में, 5 वर्ष में भी यहाँ 14% के नेगेटिव है, और 3 वर्ष में भी यहाँ पे 26% की नेगेटिव में। इसी प्रकार प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखते हैं, तो प्रॉफिट ग्रोथ तो यहाँ पे ठीक दिख रहा है, 5 सालों से 81% की है, 3 ईयर्स में 59% की है, ट्रेलिंग 12 मंथ में यहाँ पे 52% के आसपास। और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी रिटर्न आपके जो शेयर पे कमाई आती परसेंटेज है, ये कंपाउंडेड देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे 3 सालों का देख रहे हैं तो 5.31%, और लास्ट ईयर का 8.03% के हिसाब से। बैलेंस शीट पे अगर हम रिज़र्व देखते हैं, तो रिज़र्व इनके पास 1067 करोड़ के आसपास दिख रहे हैं, और कर्ज़ा इनका बोरोविंग्स 28 करोड़ के आसपास है, तो चलिए कर्ज़ा नहीं है, अगर देखा जाए तो बहुत मामूली सा कर्ज़ा है। तो ये अच्छा है कि कर्ज़ा फ्री कंपनी है, रिज़र्व भी इनके पास थोड़ा सा है, ठीक ठाक है, एक अच्छे ग्रुप की कंपनी है, लेकिन कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो उतना शानदार नहीं रहा, तो वो हम यहाँ भी देख लेते हैं, मनी कंट्रोल की साइट पे भी देख लेते हैं। चलिए, और फाइनेंशियल पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो कर्ज़ा सही बात है, यहाँ पे 21 करोड़ का शो हो रहा है। और अब यहाँ पे हम क्वार्टरली देखते हैं, अगर मार्च 19 से जून 19 में कंपेयर करते हैं नेट सेल्स में, तो जहाँ मार्च 19 में 198 करोड़ की थी, तो जून 19 में हो गई 149 करोड़, यानी कि 150 करोड़ थी, यहाँ भी कम से कम काफ़ी गिरावट है। और नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं, तो जहाँ मार्च 19 में थी 32 करोड़ की, वहीं शुद्ध लाभ जून 19 में बच के रह गया सिर्फ 8 करोड़ का, तो बहुत ज़्यादा गिरावट है। मेरे ख्याल से 8 चौक 32, यानी कि 4 गुना करीब यहाँ पे नेट प्रॉफिट में इनको लॉस है, क्वार्टरली लॉस कितना ज़बरदस्त है। तो इसी वजह से कंपनी पे भी उस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब कंपनी बेहतरीन कमाई नहीं कर पा रही है, तो स्टॉक प्राइस जो है कैसे बढ़ेगा। कंपनी जब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम देख लेते हैं, तो प्रमोटर्स के पास है 38% की, हालांकि देखिए प्रमोटर्स के पास 38% है, और 50% अगर होती तो अच्छी मानी जाती है, अगर प्रमोटर्स
प्रोमोटर्स के पास है, तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाता है कि कंपनी में कम से कम प्रोमोटर्स का या कंपनी को चलाने वाले के पास कम से कम उसके पास 50% तो उसके पास शेयर्स हैं कंपनी के, है ना, और पब्लिक और FIIs एंड DIIs हैं 61% इस प्रकार से। और देख लेते हैं कोई शेयर गिर भी तो नहीं है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर प्लेस्ड नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं, जितने भी इनके प्रमोटर्स हैं ज़ीरो निल। तो ये एक अच्छी बात है कि इनके शेयर्स जो है गिरवी नहीं है, हालांकि शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा जो होल्डिंग है इनके पास उतनी शानदार नहीं है। और दोस्तों हम डिविडेंड भी देख लेते हैं, क्योंकि डिविडेंड इसलिए देखना ज़रूरी है कि कंपनी अपने निवेशकों के साथ अगर स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रहा है, अगर उनको साल का 25% का सॉरी 50% का लॉस हो रहा है, जिन्होंने एक साल पहले पैसे डाले थे इसमें, तो क्या उनको डिविडेंड के माध्यम से कुछ संतोषजनक रिटर्न मिल रहा है कि नहीं, कि चलिए भविष्य में हो सकता है कंपनी अच्छा प्रदर्शन करे, एक अच्छे ग्रुप की है, बहुत पुरानी कंपनी है, तो डिविडेंड तो एटलीस्ट मिलना मांगता। देखिए इन्होंने जो है साल में 2017 से दो बार दिया है, एक इंट्रीम एंड फाइनल, इंट्रीम एंड फाइनल, इसी प्रकार 2018 में दो बारी और 19 में भी दो दफ़ा दे चुके हैं, जैसे कि हम इनकी डिविडेंड हिस्ट्री देख रहे हैं। तो 19 जनवरी को दिया था इन्होंने 50 पैसे पर शेयर के हिसाब से, और 2 मई को और 23 जनवरी और 2 मई को फिर दिया इन्होंने 60 पैसे पर शेयर के हिसाब से। तो जिस हिसाब से छोटी प्राइस का स्टॉक है, मेरे ख्याल से कि डिविडेंड काफ़ी अच्छा दिया इन्होंने, डिविडेंड नो डाउट काफ़ी अच्छा दिया है इन्होंने, ये एक अच्छी बात है, राहत वाली बात है कि आपको डिविडेंड के मामले में अच्छी कंपनी है और आपको अच्छा साल में डिविडेंड पे कर रही है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है तो डिविडेंड के हिसाब से आपके खाते में कुछ ना कुछ मिलता रहता है, जो आप किसी खर्च आदमी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इस कंपनी में क्या करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग निवेशित हैं वो बने रहें, क्योंकि कंपनी अच्छी है लेकिन अभी प्रदर्शन उस हिसाब से इसका है नहीं। पेपर का एक समय ऐसा आएगा पूरे सेक्टर का, पूरी इंडस्ट्री का, तो मुझे लगता है जब इसमें या मार्केट में भी जब सुधार होगा तो बाउंस बैक तेज़ी से करना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बड़ा मैं एक्सपर्ट तो होने कि मैं एग्जैक्ट मैं भगवान तो होने की बता दूँ, लेकिन हाँ ये अच्छा प्रदर्शन करेगी, एक अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है, CK बिरला ग्रुप की कंपनी है और पेपर की कंपनी है, तो पेपर इंडस्ट्री नो डाउट चलती रहेगी, माल बिकता ही रहेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ है कि ख़त्म होने वाली चीज़ है नहीं, पेपर की डिमांड बनी रहेगी। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर हम वेबसाइट पर जाकर चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। और जो लोग नई बाइंग करने की सोच रहे हैं तो इस गिरावट मेरे ख्याल से अभी जब तक इनके नेक्स्ट कुछ क्वार्टर के रिजल्ट्स भी हम देख लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में भी अगर इनकी बिक्री नहीं हो रही है शानदार, तो प्रॉफिट नहीं कमा रही, तो कंपनी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, तो हो सकता है कि नीचे के लेवल पे और मिल सके। तो इस पे मेरी जिस प्रकार से इनके 10 सालों की हिस्ट्री मैंने देखी तो बहुत अच्छे मुझे नंबर्स या बहुत अच्छी ग्रोथ मुझे नहीं दिखी, तो मैं तो अपना पैसा नहीं डालूंगा, मैं आपको नहीं कोई सलाह दे रहा, लेकिन फ़िलहाल मैं इन्वेस्ट करने वाला अगर करने को होता तो मैं नहीं करता, अभी फ़िलहाल इस पर अवॉइड करता, क्योंकि हो सकता है पेपर और भी कई कंपनियां हों तो उन पे हम फोकस कर सकते हैं, अगर हमें पेपर के सेक्टर में हमें इंटरेस्ट है। तो फ्रेंड्स आज मैं यही वीडियो वाइंड अप करता हूं, और जो लोग बने हैं इस पे बने रहें, अच्छा डिविडेंड पे कर रहे, और जो लोग नई बाइंग करना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा सा रुकें, देखें कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट्स भी, और मार्केट का भी थोड़ा सा भी ठीक नहीं लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।